हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं जो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो आपको इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक वीडियो इस तरह के शूट कर लेना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है जो टी शर्ट हो या फिर शॉर्ट हो आपको एक कलर का होना चाहिए। आपने जो जिस कलर का शॉर्ट या टी शर्ट आप पहने हैं तो वो कलर आपको बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको वीडियो शूट कर लेना है। इसके बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और इस बैकग्राउंड को 15 से 20 सेकेंड तक कर देना है। जितने सेकेंड का आपका वीडियो होगा उस वीडियो को अकॉर्डिंग इस लेयर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद डन कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे हम डन कर देते हैं। इसके बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो वीडियो को आपको एक बार प्ले कर कर देख लेना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा पार्ट आपको रिमूव हो जाएगा। तो सिंपल हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देते हैं। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे हमें इस तरह से लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आएंगे। अब वीडियो हमारा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो वीडियो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। इससे क्या होगा, राइट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था वो रिमूव हो जाएगा। तो सिंपल मैं ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा ट्रिम टू राइट हो चुका है। इसके बाद ओरिजिनल वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो भी आपको रिमूव हो गया। आप देख सकते हैं दोनों हमारा यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सिंपल इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा फुल साइज में हो चुका है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, उस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देंगे। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे हमें डिलीट कर देना है। अब वीडियो को आपको प्ले कर कर देख लेना है। वीडियो को हम प्ले कर कर देख लेता हूँ एक बार। जैसे कि आप देख सकते, जैसे हम प्ले करता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि अमिताभ बच्चन का नाम आता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेयर पर आएंगे, मीडिया पे आएंगे और यहाँ पे हमें अमिताभ बच्चन का फ़ोटो लेकर आना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जो सेकेंड वीडियो है, सेकेंड वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और इसे हमें इनेबल कर देना है। कलर की पे आएंगे और यहाँ पर हमें ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। आपको वही कलर सेलेक्ट करना है जो कलर का आपका टी शर्ट या शॉर्ट आप पहने होंगे। सिंपल इसे हम डन करता हूँ। इसके बाद फिर से हम वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की को जैसे इनेबल किया था, सबसे पहले हम इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे सही तरह से एडजस्ट कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं टी शर्ट या फिर जो शॉर्ट जो मैंने पहना हूँ उसे हम ब्लैक कर दिए हैं और बाकी का पार्ट जो है आपको यहाँ पे वाइट दिख रहा है। तो इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, इसके बाद डन कर देना है। तो सिंपल यहाँ पर भी यहाँ पर अभी तक भी सही से एडजस्ट नहीं हुआ, तो फिर से हमें क्रोमा की को सही से एडजस्ट हमें कर लेना है। तो अब देख सकते हैं हमारा जो क्रोमा की प्रॉपर इनेबल हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। जैसे आपको गाना स्लो, यहाँ पे आपको सॉन्ग को प्ले कर कर देख लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं, तो सिंपल यहाँ पे लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद मैं फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमें अमिताभ बच्चन का फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने चार फ़ोटो को गूगल से डाउनलोड कर रखा हूँ। तो सब सिंपल आपको गूगल से आपको भी डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले हम अमिताभ बच्चन के फ़ोटो लेके आएंगे, इस तरह से इसे हमें छोटा कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू पैक कर देना है। सिंपल इसे हमें इसके बाद वीडियो का आगे तरफ लेकर आते हैं।
और आपको इसको आपको सही तरह से बिल्कुल सेंटर में आपको अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके बाद डन कर देना है, सिंपल एक बार वीडियो प्ले करके देखना है। जैसे कि हाँ अमिताभ बच्चन का हम दिखा रहे थे, अमिताभ बच्चन दिख रहा है। इसके बाद जैसे हम दिलीप कुमार का नाम लेते हैं, तो सिंपली पे वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, इसे हमें ट्रिम टू राइट कर देना है। लेयर पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे, और यहाँ पे हमें दिलीप कुमार का इमेज को सेलेक्ट करना है। तो चार इमेज को मैंने गूगल क्रोम से डाउनलोड किया था, तो आपको भी गूगल क्रोम से ही डाउनलोड कर लेना है। बिल्कुल आसानी से वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल। आप इसके बाद हम दिलीप कुमार के इमेज को सेलेक्ट करते हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको सेंड टू बैक कर देना है। और इसे आपको इस तरह से छोटा कर कर सही तरह से आपको एडजस्ट आपको कर देना है, ठीक है। इसके बाद डन करेंगे। इसके बाद वीडियो को आपको जैसे ही प्ले कर कर देख लेना एक से दो बार, ठीक है। जैसे आपको दिलीप कुमार का नाम ले रहा हूँ मैं वीडियो गाना में, जैसे यहाँ पे दिलीप कुमार का नाम ले रहा हूँ गाना में, तो सिंपल आपको क्लिक करना है वीडियो क्लियर पे, कैची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। लेयर पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे। इसके बाद हम छोटे बच्चे को दिखाना है, तो सिंपल हमें फिर से फ़ोटो को हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो इस इमेज को भी मैंने गूगल से ही डाउनलोड कर रखा हूँ, तो इस सारे इमेज को मैंने गूगल से ही डाउनलोड कर रखा हूँ, तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक करेंगे, और इसे आपको सही तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे, और यहाँ पे हमें अक्षय कुमार का दिखाना है फ़ोटो। तो वीडियो को आपको प्ले करके देखना है, वीडियो के अकॉर्डिंग आपको ही फ़ोटो का एडजस्ट आपको करना होगा। कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। लेयर पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे। इसके बाद अक्षय कुमार का इमेज को हमें सेलेक्ट करना है, तो अक्षय कुमार का इमेज को मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ। इसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। इसको आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद डन कर देते हैं। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आएंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू हमें राइट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सॉन्ग भी ऐड कर चुका हूँ, फ़ोटो भी जैसे जैसे आप देख सकते गाना के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फ़ोटो भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल साइलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो